बीते दिनों धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसके बाद एक्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब इस ईमेल से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तार यूके से जुड़े हुए हैं। इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि सलमान मई जून में कोलकाता में शो भी करेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी मामले में नया खुलासा हुआ है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई। अब पाया गया है कि सलमान को मिला धमकी भरा मेल यूके में स्थित एक मोबाइल नंबर से जुड़ा है। दूसरी तरफ ये बताया जा रहा था कि धमकियों के कारण कोलकाता में एक्टर का शो कैंसिल कर दिया गया है, जो मई जून में आयोजित होने वाला था, लेकिन सलमान परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं। पिछले हफ्ते सलमान खान के पर्सनल असिस्टेंट जॉर्डी पटेल को धमकी भरा ईमेल मिला। एक्टर के करीबी दोस्त प्रशांत गुजालकर ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि जब उन्होंने एक्टर के बांद्रा ऑफिस का दौरा किया तो उन्होंने जॉर्डी पटेल के इनबॉक्स में धमकी भरा ईमेल देखा। उन्होंने कहा, मैं नियमित रूप से सलमान के घर और ऑफिस जाता हूँ। शनिवार को मैं उसके ऑफिस में था जब मैंने पटेल के इनबॉक्स में धमकी भरा मेल देखा। धमकी भरे मेल में लिखा हुआ था कि गोल्डी भाई को बात करनी है तेरे बॉस सलमान से। इंटरव्यू देख ही लिया होगा उसने, शायद नहीं देखा हो तो बोल दियो, देख लेगा। मैटर क्लोज करना है तो बात करवा दियो, फेस टू फेस करना हो तो बता दियो। अब समय रहते इन्फॉर्म कर दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। प्रशांत गुजालकर ने शिकायत में बताया, तीन लोगों लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड, रोहित गर्ग के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिन्होंने कथित तौर पर सलमान के ऑफिस मेल भेजा था। इन धमकियों के बाद सलमान खान के बांद्रा वाले घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसी चर्चा थी कि धमकियों के कारण कोलकाता में एक्टर का शो रद्द किया गया है, लेकिन आयोजकों ने पुष्टि की है कि सलमान खान मई और जून के बीच शहर में परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हैं।